बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफएससी फिजिक्स पार्ट वन के अंदर असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट है। ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल टॉपिक है जिसमें हम फाइनल रिजल्ट्स के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी अपीयर होती है वो हम कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट रूल्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट रूल्स में से सबसे पहला रूल जो है वो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के अंदर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है फाइनल रिजल्ट के अंदर, तो जो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी वो क्या होंगी, वो एड होंगी। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि चाहे आपके पास ऑपरेशन जो है वो एडिशन का हो रहा हो, चाहे ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का हो रहा हो, जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी वो दोनों केसेस में एड होंगी। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से हमारे पास ये एक मेजरमेंट्स हैं जो लेंथ की मेजरमेंट्स हैं, एक्स वन जो है वो 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है और जो एक्स टू है वो 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो मेजरमेंट लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। इस मेजरमेंट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये है 10.5, इसको एक्चुअली ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोला जाता है, और दूसरा जो है वो 0.1 है। ये 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहलाती है और दूसरे लफ्जों में इसको लीस्ट काउंट बोला जाता है। इसी तरह इस ऑब्जर्वेशन के अंदर 26.8 ये एक्चुअल लेंथ है और 0.1 सेंटीमीटर जो है ये बताता है कि उस डिवाइस का जिससे ये लेंथ मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट कितना है, और दूसरे लफ्जों में इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समहाउ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, लेट्स से वो एडिशन का है, तो जब एडिशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं वो ऐड होंगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कौन सी हैं, 10.5 और 26.8, ये दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई, और प्लस माइनस के साथ इन दोनों अनसर्टेनिटीज को ऐड करके लिख देंगे। मतलब 0.1 प्लस 0.1 तो ये टोटल कितना होगा, 0.2। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो अप्लाई होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू के ऊपर, मतलब अगर एडिशन हो रही है तो इन दोनों के दरमियान एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन जो रूल अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज पे। और वो रूल क्या है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो उन्होंने ऐड होना है, चाहे इधर एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो क्या होंगी, वो ऐड ही होंगी। तो ये एक एग्जाम्पल जो है वो एडिशन के हवाले से थी। इसी तरह हम एक एग्जांपल जो है वो सब्ट्रैक्शन के वाले से देखते हैं कि लेट से आपके पास सब्ट्रैक्शन में एक्स टू माइनस एक्स वन आपने करना है, तो जो एक्स टू की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 26.8 पहले वो लिख दी, फिर माइनस, फिर एक्स वन की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू 10.5 वो लिख दी, और अगेन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो क्या हो गई, वो एड हो गई। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या आई, 0.2 सेंटीमीटर, और एडिशन के केस में भी वो कितनी आई थी, 0.2 सेंटीमीटर। क्योंकि जो रूल है इन दोनों में वो कॉमन है, और वो रूल क्या है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो ऐड होंगी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों केसेस में हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो है उनको हमने ऐड किया है, लेकिन जो हमारे पास एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन था कि अगर हमने ऐड करना है तो हमने दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया, और अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने दोनों वैल्यूज के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह करके ये रूल है, और ये रूल जो है इस तरह करके हमने इसको फॉलो करना है। और इस तरह करके आप देख सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन का आंसर है वो हमारे पास 16.3 आ जाएगा, और जो एडिशन था उसका आंसर 37.3 आया था। तो अगेन मैं इसको रिकॉल करता जाऊं, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। चाहे एडिशन हो रही हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो रही हो, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो दोनों केसेस में ऐड होंगी, और वो ये नीचे सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ हम जाते हैं।
और ये है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये रूल थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, इसको तवज्जो से स्टूडेंट्स आपने समझना है कि ये रूल जो है इसको कैसे हमने अप्लाई करना है। और इसको इजी करने के लिए मैंने इसको डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, उन स्टेप्स के फॉर्म में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले रूल की स्टेटमेंट क्या है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपने नोट करना है वो ये है कि यहाँ पे हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। प्रीवियस में हमने क्या किया था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया था, बट इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है उनको ऐड करेंगे। तो पहले तो ये रूल आ गया कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है उनको हम ऐड करेंगे। इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद समझने की कोशिश करते हैं। लेट से एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस इफ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज एज फॉलोइंग। ये एक्चुअली बुक की एक एग्जांपल है कि करंट और पोटेंशियल जो है ये उनकी वैल्यूज हैं। एक तो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और फिर उस रेजिस्टेंस के अंदर फाइनल अनसर्टेनिटी कितनी आएगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। लेट्स स्टार्ट, इसको समझते हैं जी। इसको मैंने स्टेप्स की फॉर्म में लिखा है। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें मैंने लिखा है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन वी एंड आई। तो पोटेंशियल और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज पहले मालूम कर लें, क्योंकि रूल जो हमारा है वो रूल ये कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड करना है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कहाँ से लाई जाए, हमारे पास तो ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है। परसेंटेज वैल्यूज को अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसी को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या आपको लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो ये लिखी नजर आ रही है 0.1, और ऑब्जर्वड वैल्यू जो है वो 5.2 है वो ये आ गई। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2% आ गई। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो पोटेंशियल के अंदर आई है वो 2% है। इसी तरह हमने कैलकुलेट की है फॉर करंट, और करंट के लिए जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो 6% आ गई। अब टाइम आ गया रूल को अप्लाई करना, सॉरी नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि फाइंड द अनसर्टेनिटी बाय अप्लाइंग द रूल। और रूल क्या था, कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज करंट और पोटेंशियल दोनों के हमने मालूम कर ली है। अब इस पे हम रूल अप्लाई करते हैं, और रूल क्या था कि इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने से जो फाइनल अनसर्टेनिटी आएगी वो भी परसेंटेज में आएगी, और अब वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस की होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने कैलकुलेट एक्चुअली रेजिस्टेंस करनी थी वो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की। तो पहले अब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आप लोग जानते हैं उसका फार्मूला क्या है, ओम्स लॉ वी ओवर आई, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब ये रेजिस्टेंस की ऑब्जर्व वैल्यू आ गई, और ये रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है जी, 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर या ओम, और उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो 8% की अनसर्टेनिटी है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ तक लिखें, लेकिन नॉर्मली ये किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो डेसिमल की फॉर्म में था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में था, तो हम इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखने, उसके लिए स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं जी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने उसी प्रीवियस फार्मूला को मॉडिफाई कर लिया जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का था। उसमें हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेफ्ट साइड पे लिख ली, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। इसके साथ जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी, और वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो आपके सामने ये आई, और ये 0.5, और यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे इसके जो कि रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं। तो इस तरह करके जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास कितनी आ गई, ऑब्जर्वेशन हमारे पास 0.619 थी, और अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो 0.5 की फॉर्म में आ गई। तो इस तरह करके हम जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को यूज करते हुए हमने एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर जो फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी आती है उसको फाइंड आउट किया। अगेन स्टेप्स को मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करनी है, फिर हमने क्या करना है उसके ऊपर रूल अप्लाई करना है,
कि एडिशन और सबट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी उसको कैलकुलेट करेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम रिवर्स जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह करके ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, और इस तरह करके हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो है वो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो असेसमेंट है अनसर्टेनिटी की हमने कर ली। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो फैक्टर है जी उसकी तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है ये है फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब है कि जब आप किसी ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो समटाइम्स वो पावर की फॉर्म में अपीयर होती है। जैसे लेट से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है तो वो 4/3 πr³ आता है। तो अब हमने ऑब्जर्व किया था रेडियस, तो रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो इनहेरिट करेगी वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, इन केस ऑफ पावर फैक्टर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर। अगेन हम पहले क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे जितना पावर फैक्टर होगा। लेट से पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पावर 3 है 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सो ऑन। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। एग्जांपल वही है जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, उसी को मैंने इंक्लूड किया। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर एंड इट्स वैल्यू इज 2.25 ± 0.01 cm, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करें। अगेन इसको भी डिफरेंट स्टेप्स की फॉर्म में, नंबर वन फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। और यहाँ पे भी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि रूल जो है वो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज करते हुए एक्सप्लेन करता है। फिर इसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगेन वही फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास 4% आ। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जाए स्फीयर का, उसका फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। वैल्यूज रिप्लेस करवा दी तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 47.689 cm³ आ। तो ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब इस वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन अनसर्टेनिटी का फार्मूला अगेन यहाँ पे क्या आ गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले तो टोटल असेस कर लेंगे कि कितनी होगी, तो उसका जैसे रूल था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्योंकि यहाँ पे 3 का था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी तरह हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की थी वो 4% थी, तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना हो गया, 12%। फिर इसके बाद अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें तो अगेन उसका वही फार्मूला, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। इस तरह करके ये जो है ये हमारे पास 0.6 cm³ आएगा। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना चाहें तो अब उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको ऑब्जर्वड वैल्यू प्लस माइनस जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ लिखेंगे, और जो वो जो वॉल्यूम होगा हमारे पास इसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो 47.7 ± 0.61 cm³ हो जाएगा।